माननीय अध्यक्ष जी, सदन में राष्ट्र को लेकर बातें हुई, ये बातें हैरान करने वाली है। मैं मेरी बात रखने से पहले एक बात दोहराना चाहता हूं और मैं कोट कर रहा हूं, यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठे, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए हैं, इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश एक से हैं, इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे स्पष्ट रूप से ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। एक कोटेशन है। अध्यक्ष महोदय, हम भारतीयों की इस विशेषता को बताते हुए इस कोटेशन में दो शब्द गौर करने वाले हैं, राष्ट्रीय विरासत, और ये कोट पंडित नेहरू जी का है। ये बात कही थी नेहरू जी ने और अपनी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक है। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। संविधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट्र पढ़ने में ना आए, ये हो नहीं सकता है। कांग्रेस ये अपमान क्यों कर रही है, मैं इस पर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। मान्य अध्यक्ष जी, राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। मान्य अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। और इससे हजारों साल से देशवासी जुड़े हुए हैं और जूझते रहे हैं। हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रयश्चैव दक्षिणम् वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। मैं कोट कह रहा हूं, एक क्षण आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है
जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है, ये भी नेहरू जी के ही बोल है। आखिर किस नेशन की बात नेहरू जी कर रहे थे जी? ये नेहरू जी कह रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, यहां तमिल सेंटिमेंट को आग लगाने की भारी कोशिश की गई है। राजनीति के लिए कांग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजों के विरासत में आई दिखती है, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। लेकिन मैं आज तमिल भाषा के महाकवि माननीय अध्यक्ष जी, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी आदरणीय सुब्रमण्यम भारती ने जो लिखा था, मैं यहां दोहराना चाहता हूं। तमिल भाषी लोग मुझे क्षमा करें मेरे उच्चारों में कोई गलती हो तो, लेकिन मेरा आदर और मेरी भावना में कोई कमी नहीं है। सुब्रमण्यम भारती जी ने कहा था, मन्नुम इमय मलय एंगल मलय पन्नरुम उपनिट नुलेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु पोले पोन निलोर भारत नांडेघल नाड़े पोट रुओम इकते इमक किलेडे। इसका भावार्थ जो उपलब्ध है वो इस तरह का है। सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं, जो उन्होंने तमिल भाषा में कहा है उसको मैं अनुवाद, जो भाव मुझे उपलब्ध हुआ है मैं कह रहा हूं। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ से वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। सुब्रमण्यम भारती कह रहे हैं, गाएंगे यस हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। ये सुब्रमण्यम भारती जी की कविता का भाव है। ये वो संस्कृति है। और मैं आज तमिल के सब नागरिकों को सैल्यूट करना चाहूंगा। जब हमारे सीडीएस रावत दक्षिण में हेलीकॉप्टर के अकस्मात में उनका निधन हुआ और जब उनका बॉडी तमिलनाडु में हवाई अड्डे की तरफ ले जाने के लिए रास्ते पर गुजर रहा था, मेरे तमिल भाई, मेरी तमिल बहनें लाखों की संख्या में घंटों तक कतार में खड़ी रही थी रोड पर, कोई सूचना नहीं संदेश नहीं, इंतजार करते खड़ी रही थी। और जब सीडीएस रावत का बॉडी वहां से निकल रहा था, तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपा कर करके आंख में आंसू के साथ कहता था, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, ये मेरा देश है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता
उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.